हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों को बुलडोजर से ढहाए जाने के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। नियमों के मुताबिक कार्रवाई की कही बात। जमीयत उलेमाए हिंद के आरोपों को गलत बताते हुए याचिका खारिज करने की बात। बुलडोजर से मकान गिराए जाने के खिलाफ जावेद पम की पत्नी ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। मनमाने तरीके से मकान गिराए जाने का आरोप लगाया। मुआवजा और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई सहित जल्द सुनवाई की मांग। कानपुर हिंसा में एक बड़े कारोबारी और बिल्डर को नोटिस। हिंसा के लिए फंडिंग करने में बिल्डर का नाम आया है सामने। आरोपियों ने पुलिस रिमांड में बिल्डर का लिया नाम। आज यूपी बोर्ड के मेधावी छात्रों से मिलेंगे सीएम योगी। सीएम आवास पर 10 मेधावी छात्रों से को करेंगे सम्मानित। अलग अलग जिलों के मेधावी छात्रों से भी करेंगे मुलाकात। रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म। आज पोलिंग बूथों के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कल मतदान के बाद 26 जून को आएंगे परिणाम। अग्निपथ योजना के खिलाफ पहले भ्रम को दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री बीके सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ युवाओं से करेंगे संवाद। वर्चुअली संवाद के जरिए युवाओं को अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से देंगे जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।